महेंद्र कुशवाहा ने जो प्रेस वार्ता की है उसमें उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हम भाजपा के साथी हैं, सीटों का जो समझौता होगा आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी भी महागठबंधन के लोग ये लगातार बयानबाजी दे रहे हैं। दो दिन पहले दीपावली के दिन ही रघुवंश प्रसाद ने कहा था कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ आ जाएंगे। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है ये जानने के लिए इस वक्त हम भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं भाजपा के प्रखर प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी। सर, थोड़ी देर पहले उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस वार्ता करके कह दिया है कि हम भाजपा के साथी हैं, फिर भी महागठबंधन लगातार ये बयानबाजी क्यों दे रहा है? देखिए, महागठबंधन को अपने ऊपर विश्वास नहीं रह गया है जी। जो उनके सहयोगी दल हैं उन पर भी उनको विश्वास नहीं है जी। उनको लग रहा है कि जितने दल के लोग हैं या जितने नेता हैं ये सभी आम जनता के लोगों से उतर चुके हैं, इसलिए वो बार बार एनडीए की तरफ ताक झाक कर रहे हैं। आज आपने ठीक कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है कि हम बीजेपी के साथ हैं और हमारा पूरा प्रयत्न होगा कि एनडीए की सरकार बने, नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि लालू यादव इतिहास की चीज हो चुके हैं, तेजस्वी यादव जिन जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो ट्रेनिंग पीरियड में है, तो सवाल ही नहीं है कि उनके साथ मैं जा सकता हूं। जिसके पास नेतृत्व क्षमता ही ना हो और जिसके पास नेता का अभाव हो उसके पास जाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए लेकिन लगातार मैं तो मानता हूं कि जो महागठबंधन है वो अपनी हार मान चुकी है और इस घबराहट में, इस बौखलाहट में, अकुलाहट में इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं और वो लगातार एनडीए के तरफ ही ताक झांक कर रहे हैं, एनडीए की ओर ही देख रहे हैं। उनको लगता है कि एनडीए टूटेगा, उसके बाद बिल्ली के भाग से छीका टूटेगा तो हमारा कुछ जो है से भला हो सकता है। लेकिन उनका ये सपना पूरा नहीं होगा। एनडीए एकजुट है, एनडीए में कहीं कोई टूट फूट नहीं होगी। एनडीए पूरी ताकत से और मजबूती से साथ मिलकर के चुनाव लड़ेगा और वो स्वयं अपने मैदान से बाहर अभी जब हार मान चुके हैं तो समय आते आते, चुनाव वक्त आते आते वो मैदान से सीधे बाहर हो जाएंगे, उनको उम्मीदवार भी खोजना पड़ेगा। अरे, आप कह रहे हैं लगातार कि तेजस्वी यादव इस वक्त ट्रेनिंग पीरियड में है, उपेंद्र कुशवाहा ने भी कहा कि ट्रेनिंग पीरियड में है, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं वो ऐसा जता रहे हैं कि तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। देखिए, लालू यादव के भी सभाओं में लोग कहते थे कि भीड़ जो है से उमड़ती थी, तो लालू यादव को तो लोग जो है से मिरकिरी के रूप में और मजाक के रूप में लेते थे, मदारी का खेल होता है उस प्रकार का जो है से वो देखने जाते थे, मजा लेने के लिए जाते थे कि लालू की किस प्रकार की शैली, किस प्रकार की भाषा, किस प्रकार का शब्दों का प्रयोग करेंगे, थोड़ा हंसी मजाक हो जाएगा।